अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन है गुरुवार और अभी का टाइम लगभग सुबह का 9:30 बज रहा है। और दोस्तों, बच्चे लोग को मैं नाश्ता करा के उन लोग को स्कूल में भेज चुकी हूँ और सभी लोग अपने अपने कामों में चले गए हैं। और इधर देखे दोस्तों, सासू अम्मा इधर बिस्तर वगैरह धोकर सुखाने के लिए बांस का तार बनवा रही हैं। और ये है हमारा मुनगा का पेड़। तो ये देखे दोस्तों, इसमें कितना ज्यादा फूल लगा हुआ है और कुछ दिन में इसका फल भी लग जाएगा। और उसको हम लोग मुनगा का खेड़ा बोलते हैं और बहुत ही अच्छा खाने में भी लगता है उसका सब्जी। तो दोस्तों, सभी लोग तो नाश्ता कर लिए हैं, सिर्फ मैं ही नाश्ता करने के लिए बच गई हूँ। और ये देखिए, सुबह में चावल बनाई हूँ और आलू बैंगन का सब्जी बनाई हूँ और रात का दाल है, तो इसी में हम लोग नाश्ता करते हैं। और आप लोग तो सुबह के नाश्ते में रोटी खाते होंगे, लेकिन हम लोग तो चावल ही खाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया है, तो चलिए अब खटिया को साइड में रख देते हैं, यहाँ आने जाने के लिए भी नहीं बनेगा। और दोस्तों, कल रात को ही मैं सोच रही थी कि आंगन का छबाई करने के लिए मिट्टी को मैं फुला दूं, और आंगन सूख ही नहीं रहा है। हमारे आसपास में बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधे हैं, इसी के वजह से धूप नहीं पड़ता है तो जल्दी नहीं सूख पा रहा है आंगन। और इधर देखिए, सासू अम्मा लोग बिस्तर सुखाने के लिए जुगाड़ बना लिए हैं। तो दोस्तों, मैं बुलबुल को सुला के इधर सासू अम्मा लोग के पास चली गई थी और इधर बुलबुल भी सो के 5 मिनट में ही उठ गई। और दोस्तों, आजकल बुलबुल बहुत ज्यादा परेशान करती है, अच्छे से सोती भी नहीं है और दिन भर रोते रहती है। इसको हर काम में गोदी में पा के करूंगी तब इसके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो फिर से रोने लग जाएगी। और दोस्तों, बुलबुल को मैं सासू अम्मा के पास छोड़ दी हूँ और चलिए मैं जल्दी से बिस्तर को उठा लेती हूँ। और ये देखिए, ठंड के वजह से मैं कितना ज्यादा ब्लैंकेट वगैरह निकाली हूँ। और दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि एक दो और भी ब्लैंकेट में ले लूं, वैसे तो काम चलाने के लिए है, लेकिन कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो ओढ़ने के लिए नहीं बनता है। तो दोस्तों, ये वाला चादर को मैं बदल देती हूं और उस दिन जो मैं नया चादर ली हूं उसको सोच रही हूं कि बिछा दूं। तो ये देखिए दोस्तों, यही वाला चादर है, तो इसको कैंची से काटना पड़ेगा। तो चलिए इसको बाहर से कैंची से काट कर लाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा जरूर मेरा नया वाला चादर आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, हमारे गांव में डेली कोई ना कोई फेरी वाले आते रहते हैं। तो ये देखिए, आज कप प्लेट बेचने वाले आए हैं। और दोस्तों, मेरे को कप का जरूरत भी था, ठीक हुआ बेचने के लिए आ गए। तो चलिए अच्छा से एक कप सेट छांट लेते हैं, फिर ले लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास कप नहीं था और आज हमारे यहाँ कप सेट बेचने के लिए आए थे, तो मैं भी एक ठो कप का सेट रख ली। तो ये आपको कैसा लग रहा है ये कप का सेट, तो आप भी जरूर बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों, मेरे को ये वाला डिजाइन ज्यादा पसंद आया और ये वाला कप सिर्फ 5 ही ठो था, तो और मैं उनसे यही वाला डिजाइन का कप और मंगाई हूँ, तो बोले कि मैं 1 सप्ताह में आपको ला के दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नदी नहाने के लिए, क्योंकि लाइट ही कट गया है, बहुत टाइम हो गया है, लाइट भी नहीं आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, यही है हमारा नदी, आप सभी ने तो देखे होंगे। और जैसे ही मैं नदी में कदम रखी तो बहुत ही ज्यादा ये पानी ठंडा है और बाहर हवा भी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आज नहाने में भी बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा। तो दोस्तों, मैं नदी आ ही रही थी तो मैं सोची कि सभी कपड़ा को ले जाती हूँ धोने के लिए, और नदी में बहुत ही अच्छा से कपड़ा भी धुलाता है और पानी भी बर्बाद होने का कोई टेंशन नहीं रहता है। Thank you.
तो दोस्तों मैं सभी कपड़ों को अच्छे से रगड़ कर धो ली हूँ। तो चलिए इसको अब अच्छे से पानी में साफ सुथरा फरिया लेते हैं। और दोस्तों नदी में एक ही बार में ही कपड़ा पूरा धुला जाता है और घर में धोने से बार बार पानी लेना पड़ता है। देखिए दोस्तों मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैं पूरा कपड़ा को भी अच्छे से धो ली हूँ। देखिए दोस्तों मैं नदी में खाना लेकर आई हूँ और ऐसे नदी में कपड़ा धो के खाना खाने से बहुत ही अच्छा लगता है। धूप में बैठ कर ये देखिए बालू भी कितना अच्छा है। हनी खाओगे खाना? तो चलिए दोस्तों अब हम लोग खाना खा लेते हैं। अरे ये देखिए मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाई हूँ और खाना बनाई हूँ तो इसी को मैं लेकर आ गई हूँ। तो चलिए अब खाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ साल पहले हम लोग सभी लोग इसी तरीके से नदी में नहाने के लिए आते थे और नहाने के बाद तेल वगैरह लगाने के बाद सभी लोग इसी तरीके से नदी में बैठकर खाना खाते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था। और दोस्तों आप लोग ये सब किए हैं कि नहीं तो जरूर बताइएगा, और ये सब करने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों हम लोग खाना खा चुके हैं और बर्तन को हम लोग नदी में ही धो लेते हैं। और आज तो मैं अकेली ही थी, अगर सब लोग रहते तो और भी मजा आता। तो चलिए दोस्तों अब घर जाने का तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा लेट भी हो गया है। देखिए दोस्तों मैं घर आ गई हूँ और अभी का टाइम लगभग 3:30 बज रहा है और तुरंत ही 3:30 बज गया। तो मैं जो पहले कपड़ा धोकर लाई हूँ उसको सुखा देती हूँ, फिर थोड़ा सा आराम करूंगी। तो दोस्तों मैं कपड़ा वगैरह चेंज कर आ गई हूँ, तो चलिए अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो दोस्तों उस दिन जो मैं गेहूं धोकर सुखाई थी वो भी अच्छे से सूख गया है, तो मैं पड़ोसी की छत से ले आई हूँ। चलिए इसको अच्छे से सूफा में पछर के साफ कर लेते हैं, फिर इसको पिसाने के लिए भेज देंगे। तो दोस्तों मैं गेहूं साफ कर ही रही थी कि फिर से हमारे गांव में एक फेरी वाला फिर से आ गए। तो चलिए अब उनको भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या लेकर आए हैं, अगर फिर कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे। तो ये देखिए बर्तन वाले भैया आए हैं और मेरे पास कढ़ाई का ढक्कन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कढ़ाई का ढक्कन भी ले लूँ। और दोस्तों मेरे को जो जो लेना था तो सभी सामान घर में बेचाने के लिए आ गए। देखिए दोस्तों बर्तन वाले भैया आए थे तो मैं 2 ढक्कन ली हूँ कढ़ाई का, तो एक मैं छोटा कढ़ाई का ढक्कन ली हूँ, एक बड़ा कढ़ाई का ढक्कन ली हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला कढ़ाई का हम लोग नाप कर लिए हैं और काफी अच्छा इस कढ़ाई का नाप है और काफी अच्छा इसका फिक्स बैठा हुआ है, तो हम लोग को सब्जी बनाने में भी आसानी होगा। तो चलिए अब इसको अंदर रख देते हैं। और दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ, जो मुझे चाहिए था वो घर के पास ही बेचाने के लिए आ गया। दोस्तों खाना पीना बनाकर हमन फिर से बैठ गए हैं आगी तपाए बर। तो आवा दोस्तों तुमन भी हमारे घर आगी तपाए लिया और बहुत अच्छा से हमारे आगी जला थे। दोस्तों आप सभी को कैसा लगा हम लोग का ये वाला भाषा, हम लोग इसी तरीके से सभी जन से घर में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों बस आगी तपाने का काम बचा हुआ है, तो सिर्फ आगी ही तपा लेते हैं। ये देखा दोस्तों मैं राती भर टमाटर का चटनी पीसू और ठंड के दिनों में टमाटर का चटनी बहुत ही मजा आते खाए बर। तो चला दोस्तों मोर टमाटर भी अच्छे से भुंजाए गए से, तो मेला जा तो पीसे बर, फिर सभी जन बर खाना भी निकाल दे, फिर दोस्तों हमन सब जन खाए के सूझ जाबो। तो दोस्तों आज का वीडियो लाही जग मढ़ात हन और हमारे वीडियो तुमन के तनी सभी अच्छा लागी सो ही, तो लाइक करिया सब्सक्राइब करिया। बाय।